Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. विंटर के लिए मैंने बहुत ही बेस्ट ऑयल बनाया है अपने बालों के लिए. तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है. इसको आपने 2 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा इसे कुछ भी नहीं होगा. तो ये ऑयल बनाने के लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी. इससे आपके बाल बहुत लंबे, ब्लैक, जिन्हें ब्लैक बाल बहुत पसंद है ना, उनके वाइट बाल नहीं होंगे. बहुत अच्छा रिजल्ट है इस ऑयल का. तो आप लोगों ने ज़रूर मेरी ये वीडियो देखनी है और इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करना है. आप लोगों ने बनाना है, महीना से यूज़ करें, फिर मेरी वीडियो दोबारा आकर मुझे बताएं कि आपका ऑयल बहुत अच्छा था. तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इसकी थोड़ी सी चीज़ें आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐड होगा. फिर इसको लेट्स सी हम बनाना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आप लोग चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना अच्छा अच्छा सा फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो चलते हैं अपने रेमेडीज़ की तरफ. तो जो तेल हम बना रहे हैं उसके अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी ना, वो 3 ये चीज़ें हैं. तो मैं आप लोग को इनके थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं. ये जो कलवंजी है इसके तो इतने बेनिफिट्स हैं ना, ये कहते हैं कि मौत के अलावा इसके अंदर सारी शफाएँ हैं. आपका वेट लूज के लिए बेस्ट है, आपके हेयर के लिए बेस्ट है, अगर आपका बीपी हाई है, शुगर, सब के लिए कलवंजी बेस्ट है. मेथी दाना हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है. ये हमारे बाल, अगर बाल जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी ये बाल लेकर आएगा और शाइन प्रोवाइड करता है. इससे हमारे जो बाल गंजपन भी होगा ना, वहाँ पर भी बाल आ जाएंगे. ये शर्तिया चीज़ है, आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, ये स्किप नहीं करनी कोई भी चीज़ इसमें से. थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है तेज़पत्ता. नाम तो हमने सुना ही है, तेज़ मतलब तेज़ी से वर्क करने वाली चीज़ है. ये हमारे बालों को शाइन और ब्लैक करेगा. ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं. तो टाइम वेस्ट किए बगैर इस ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को भी फायदा हो सके और मुझे भी फायदा हो. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी किचन की तरफ. जी, सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने ऐड करना है सरसों का तेल. याद रहे कि सरसों का तेल आपके पास खालिस होना चाहिए. तो सरसों का तेल लेंगे 1 कप और इसको नीम गरम होने देंगे स्लो आंच पे. ज़्यादा तेज़ चूल्हा रखेंगे तो तेल जो है वो जल जाएगा, तो हमने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है. ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया, तो हम इसके अंदर मेथी दाना और कलवंजी के 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे. 2 टेबलस्पून ऐड करने, क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा आप लोग. ज़्यादा चीज़ हो जाए तो आपको पता है कि फिर वो असर नहीं करती, वो उल्टा रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है. तो आप लोगों ने उस हिसाब से चीज़ें ऐड करनी है जिस हिसाब से मैंने आप लोग को बताई हैं. इसे मिक्स करेंगे, उसे 2 मिनट के लिए हम स्लो आंच पे पकने देंगे. 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तेज़ पत्ते के कुछ पत्ते हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे. जो मेथी दाना है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाए तब तक हमने इसे कुक करना है स्लो आंच पे. जी, 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल है तो आप वो ऐड कर दें, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ऑयल है तो वो ऐड कर दें. दोनों से जो मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं. तो इसे अगेन मिक्स करेंगे अच्छे से. आप देख सकते हैं कि जो इसकी दाना था वो भी ब्लैक हो चुका है, कि मतलब कि हमारा तेल अच्छे से तैयार हो चुका है. अब ये हो चुका है तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे, उसे अच्छे से ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे. जी, अब अच्छे से ठंडा हो चुका है. उसे ठंडा होने में तकरीबन 1 घंटा लगा है, तो मैंने इसे छोड़ दिया था. अब हम एक जार लेंगे, उसके अंदर इसको भून लेंगे. तसल्ली से हमने इसे छानना है ताकि ऑयल नीचे ना गिरे, वेस्ट ना हो और अच्छे से सारा ऑयल जार में चला जाए. तो तसल्ली से ये वाला काम कीजिएगा, जल्दबाजी में सारा तेल नीचे ना गिरा लीजिएगा, तो इस बात का ख्याल रखेंगे. अब ये जो है मैंने 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल है तो वो अच्छे से नुचट जाए. जी, सारा ऑयल अच्छे से मैंने जार में निकाल लिया है, तो आप लोगों ने ध्यान से निकाला है. अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड क्या करना है, रोज़मेरी ऑयल. ये हमने इसलिए ऐड करना है कि इसके अंदर कोई स्मेल ना आए, किसी भी किस्म की स्मेल ना आए, तो इसलिए मैं इसके अंदर रोज़मेरी ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून. जी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. एक खाली बोतल हम लोग ले लेंगे, जिसमें पहले ही आप लोगों ने जिससे तेल निकाला आप उसी के अंदर ऐड कर सकते हैं. मैं भी उसी के अंदर डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्टोर हो चुके,
गिर ना जाए इसलिए खुली बॉटल में ना डालिएगा, थोड़ी टाइट बॉटल में डालिएगा बंद वाली। और जब भी आपने इसे यूज़ करना है इसे मिक्स करना है और एक बाउल में डाल कर इसे थोड़ा सा गर्म करके लगाना है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हम थोड़ा सा गर्म करके लगाएंगे, हमारे सर पर भी थोड़ा सा सुकून रहेगा और अच्छा फील होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक शेयर करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।